सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अनुग्रह के लिए जो मतलब आपने दिया एक बार फिर से आपके नज़दीकी में आने के लिए। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है वो है कि स्तुति के द्वारा बड़े से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। आज हम देखेंगे दो इतिहास 20 का कुछ आयतों को लेकर मैं आपसे बातचीत करूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर इसमें डिक्टेट करना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ आयतों के द्वारा मैं आपसे आज आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पर लिखा है 20 का एक से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहोशापात की कहानी से आज हम देखेंगे किस तरीके से वो जब सैनिकों से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था तो उसने स्तुति करी और कैसे परमेश्वर ने उसके युद्ध को जीता। यह लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वह हसर-सोरत तामार तक, जो एक नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आमीन। इसके बाद 14-13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, क्यों यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसकी 22वीं आयत में, जब ये बातें परमेश्वर का आत्मा उन्हें कहता है, फिर वो क्या करते हैं, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेहर के पहाड़ी देशों के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। यहाँ पर क्या लिखे, कुछ आयतों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप इसको चाहे तो पूरा भी पढ़ सकते हैं, दो इतिहास 20 का पूरा जो चैप्टर है उसमें इन सारी बातों को और भी क्लियरली से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहोशापात एक व्यक्ति है जिसके चारों ओर से मोआबी, अमोनी, मुनियों और न जाने कहाँ कहाँ से लोग जो थे उसके चारों ओर से युद्ध करने के लिए आ रहे थे। जब लोगों ने उसको बताया, यहोशापात को, कि तेरे विरुद्ध में ये सारे लोग जो है चढ़ाई करने के लिए तेरे ऊपर आ रहे हैं, तो यहोशापात क्या हुआ, वो डर गया। वो डर के और किसी राजा या किसी और व्यक्ति के पास नहीं गया कि भाई तू मेरी मदद कर दे, ये सब लोग मेरे पास चढ़ाई करने के आ रहे हैं, मेरे पास सैनिक कम है या कुछ भी है, आप मेरे साथ मिल जाए और आप इन सब के साथ युद्ध लड़ने के लिए आप मेरी मदद और सहायता करें। वो किसी व्यक्ति के पास नहीं गया सहारा लेने के लिए। वो सीधा यहाँ पर लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जब उसको डर लगा, उसकी निगाहें सीधा यहोवा के पास उठी, और यहोवा के पास जब उठी तो उन्होंने क्या करा, सारे यहूदियों में उपवास का प्रचार करा दिया, उपवास प्रार्थना में बैठ गए, क्योंकि उपवास एक ऐसा हथियार है मसीहों का जो बड़े से बड़े बंधनों को क्या करता है, तोड़ता है, बड़े से बड़े आंधी और तूफानों को रोकने में सामर्थ्य प्रदान करता है। और यहाँ पर भी जब इन्होंने उपवास प्रार्थना करी, पूरे यहूदियों ने उपवास किया, परमेश्वर के सामने गिर गए, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे, परमेश्वर से रो रो के गिड़गिड़ाने लगे, तो यहाँ पर 13वीं आयत में हम देखते हैं कि सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्ने के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। जब वो प्रार्थनाएं कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उपवास में थे, वो कहते थे कि जब सच्ची आत्मा से परमेश्वर को पुकारा जाता है तो परमेश्वर उत्तर हाँ और आमीन में देता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसके येल का परपोता, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा समा गया, और वहां पर वो क्या कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेमियों, हे यरूशलेम के रहने वालों,
हे राजा योशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं किसका है, परमेश्वर का है। जब ये सब लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, परमेश्वर की दुहाइयाँ दे रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर एक व्यक्ति पर उतरा और उनसे कहता है कि हे यहोशापात, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, मत डरो तुम, ये जितने भी सेनाएं तुम्हारे विरोध में आ रही हैं उनमें से किसी भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। ठीक उस तरीके से जब हम परमेश्वर की नसीकी में आते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई विरोध, कभी कोई विरोध जो हमारे चारों ओर आन खड़ा होता है, कभी कोई हमारे बारे में कुछ विरोध कर रहा था, कोई कोई एलिगेशन लगा रहा होता है, तो वहाँ पर भी जब हम परमेश्वर की नसीकी में जाते हैं, चाहे वो आंधी तूफान बीमारी का हो, गरीबी का हो, हमारे ऊपर कोई बातें एलिगेशन लगा रहा हो, किसी भी तरीके के शत्रु अगर हमारे पर चढ़ाई कर कर आते हैं, जो हम यहोशापात की तरह सीधा डर के हमारे परमेश्वर की ओर निगाहें उठाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वह हमारे ये काम करते हैं, क्योंकि ये युद्ध हमारे नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है, ये युद्ध परमेश्वर का है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो शैतान के हर एक फंदों से वो परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, उसकी नज़दीकी में जाते हैं, उसको पुकारते हैं। यहाँ पर जब इन यहूदियों ने उसको परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने अपने एक जन में होकर उनसे वाचा को बांधा कि डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ओर से जितने भी युद्ध करने के लिए आएंगे उनका सामना परमेश्वर से होगा। और वहाँ पर 22वीं आयत में हम क्या देखते हैं कि जैसे वे गीत गाकर स्तुति गाने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया। क्या कहा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जब इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इतनी परेशानियों में, मतलब इतना सब कुछ उनके ऊपर टेंशन है कि इधर से भी वार, इधर से भी वार, इधर से भी युद्ध है, सब चढ़ाई करके आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उस बात के ऊपर उन्होंने जब विश्वास किया जो उसने अपने एक दास के ऊपर प्रकट होकर कहा उनमें कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, उस यहोशापात ने, उन यहूदियों ने इस बात पर विश्वास किया और उसके बाद क्या करे, वो स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। जब तक परमेश्वर ने इनको कुछ आश्वासन नहीं दिया, इससे पहले परमेश्वर को पुकार रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि परमेश्वर तुम्हारी मदद कर, मदद के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर आश्वासन दिया, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद वो क्या करने लगे, वो भूल गए कि वो हमारे पर कोई चढ़ाई करने भी आ रहा है, वो स्तुति करने लगे, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। और लिखा है जैसे ही वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे, जैसे ही परमेश्वर की महिमा करने लगे, वहाँ परमेश्वर ने युद्ध को जीत लिया। वहाँ लिखा है कि अमोनियों और मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे सब के सब क्या हो गए, मारे गए। अगर इसके आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो जो लोग यहोशापात को मारने के लिए आ रहे थे, रास्ते में प्रभु ने ऐसा कुछ किया कि वो आपस में ही लड़ मरे। और जिस दिन, जिस घड़ी उनकी यहोशापात के साथ लड़ाई थी, यहोशापात ने उनके सामने जाना था, यहाँ पर यहोशापात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे यहूदी यहोशापात मिलकर स्तुति कर रहे हैं, उधर परमेश्वर ने क्या किया, उन सब लोगों को आपस में लड़ाया मराया, वो सारे के सारे खुद ही आपस में एक दूसरे को मार के ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। जब अगला दिन आना था, यहोशापात ने जाना था युद्ध के लिए, यहोशापात अपने समय पर वहाँ पर गया तो उसने क्या देखा, वहाँ पर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं और उनके जो बल्कि लूट का माल था वो भी 3 दिन तक लिखा है कि बटोरते रहे, तब भी पूरा नहीं बटोर पाए। अब समझे इस बात को कि वो तो यहोशापात को मारने आ रहे थे, यहोशापात को खत्म करने आ रहे थे, यहूदियों को खत्म करने आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उपवास प्रार्थना में बैठे स्तुति करी, परमेश्वर की बातों का इन्होंने विश्वास किया, वहाँ पर परमेश्वर ने इनके लिए क्या कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि जिनको मारने आ रहे थे वो खुद मर गए और बल्कि इनको वहाँ पे उनके लूट का माल भी इनको मिल गया। प्रियो, जब हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो परिस्थितियाँ, वो युद्ध किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं अपनी इस बात में गवाही दूँ कि कहते ना हर एक इंसान का जो अट्रैक्शन होती है, जो ज़्यादा झुकाव होता है वो पैसों की तरफ होता है, और महीने का जब खर्चा चल रहा होता है और जब लास्ट में, जब पहले क्या होता था, पहला जब प्रभु में आई तब इतना भरोसा नहीं हुआ, धीरे 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 वो डेवलपमेंट होती है, हर एक चीज़ें धीरे धीरे अपने समय पर पूरी होती हैं। पहले मेरे अकाउंट में अगर
थोड़ा सा भी कम पैसा हो जाता था मुझे टेंशन हो जाती थी कि अगर कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, क्योंकि इतने समय से बीमारी और परेशानियों से ही जूझ रही थी, तो हर समय उसी का खौफ ही रहता था कहीं फिर कुछ आ गया तो उस समय के लिए कुछ तो रखना चाहिए। और थोड़ा सा भी कम हो जाता था तो टेंशन आ जाती थी, बच्चों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा निकलना शुरू हो जाता था। जब परमेश्वर से सीखना शुरू किया, धीरे धीरे परमेश्वर ने सिखाना शुरू किया कि तेरा भरोसा पैसों पर नहीं, तेरा भरोसा मुझ पर होना चाहिए। और जब इन चीज़ों के लिए सच में जब देखती थी कि खर्चे हो रहे हैं और अकाउंट में कुछ भी नहीं है, चाह कर भी बच नहीं रहा, अननेसेसरी खर्चा भी नहीं हो रहा और बच भी नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कई बार इन चीज़ों को होने देता है ताकि हम उन चीज़ों से बहुत चीज़ों को सीखें। जब खर्चे आते थे तब एक ही बात बोलती थी, जैसे यहाँ पर यहोशापात ने स्तुति करी, जब मेरे भी माइंड में शैतान डालने लगता था कभी बस इतना ही पैसा पड़ा है, अभी महीना पड़ा है, कैसे चलेगा, फिर कहीं तुझे मांगने की नौबत ना आए या फिर कुछ ऐसा ना हो। जब सीखी इन बातों को, जॉयस मेयर के इन वचनों को सुनी, उनसे बहुत कुछ सीखा, तो उन चीज़ों को क्लेम करना शुरू किया, उस आराधना को गाना शुरू किया, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। जब ये गाना शुरू किया, स्तुति करनी शुरू करी कि यह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराते हैं, मुझे सुखदायक जल के झरने के पास से चलते हैं, मेरे जी में जी ले आते हैं। भजन संहिता 23 को जब बोलने लगी तब वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो चीज़ें स्टेबल होती चली गई। आज उस अकाउंट की तरफ देखती भी नहीं हूँ, कितने पैसे हैं कितने नहीं है, पूरा महीना पड़ा है, कैसे होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती हूँ। अभी मैं ये 2 दिन पहले की अगर आपको मैं गवाही दूँ तो सच में ऐसा होता है, मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी पर 2 दिन पहले की गवाही है, जब प्रोग्राम हुआ तो डीजे वाले के पैसे देने थे, मैंने गिन के 500 के 3 नोट खुद गिन के निकाले हैं मैंने, और मैंने वो लड़के को दिए, मैंने कहा बेटा वो आ रहा है उसको पकड़ा देना, तो वो 2000 मांग रहा था, मैंने कहा ये 1500 है तो अभी दे रही हूँ मैं 500। और कह रही दीदी हमने तीनों ने गिन लिए, 2000 ही हैं और 2000 उसको दिए गए, जबकि मैं गिन के दी हूँ 3 नोट, उस तक पहुँचने पर हो गए 4 नोट, क्योंकि खुदा जानता है हर एक चीज़ों को कैसे मैनेज करना है और कैसे मैनेज नहीं करना। और एक बार एक और गवाही दूंगी, जब प्रोग्राम 2 साल पहले की बात है आई थिंक, केक बनवाना था, मेरा मन था कि सबको केक ऑर्डर दिया जाए, केक खिलाया जाए फंक्शन के दौरान, और उसकी पेमेंट थोड़ी कम पड़ रही थी, बजट थोड़ा गड़बड़ा रहा था, बस परमेश्वर के आगे अपनी इच्छा को रखा, तो प्रभु ने जितनी ज़रूरत थी केक की, जितना ज़रूरत थी उतना ही अमाउंट मेरे उस अकाउंट में आ गया जिसको मैं ज़्यादा ऑपरेट ही नहीं करती हूँ, उस अकाउंट में उतना अमाउंट आ गया। तो मेरे बड़े वाला बेटा कहते मम्मी किसी का गलती से भी आ गया होगा, अब रुक जाओ पैसे मत करो। मैं रुक गई 10 दिन 15 दिन, देखा कोई उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मैं समझ गई क्योंकि उतना ही अमाउंट आया जितना मुझे केक के लिए चाहिए था, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा, तब समझी खुदाई तो सच में आपकी ओर से आए। तो युद्ध चाहे हमारे जैसे भी हो, चाहे हमारी ज़रूरत का हो, चाहे हमारी बीमारी का हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे कुछ भी हो, जब उस दौरान आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते कि वो हमारे साथ है, ये युद्ध हमारे नहीं है परमेश्वर के हैं, और जब हम इन विपरीत हालातों में भी जब शैतान टेंशन दे रहा होता है, जब चारों ओर से हम घिरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, और उस समय जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो स्तुति युद्ध को जीत हासिल करा देती है, क्योंकि परमेश्वर भी देखो इस बात को देखकर खुश होता है कि भले ही शैतान ने कितने इनके चारों तरफ इन्होंने शिकंजे लगा दिए, लेकिन ये बच्चे मेरी महिमा करें, इनको मुझ पर विश्वास है। जो हमारा विश्वास परमेश्वर के पास होता है, उस विपरीत हालातों में भी जो हम स्तुति आराधना गीत आत्मा और सच्चाई से बस गुनगुनाते हैं, तो युद्ध परमेश्वर जीत उस युद्ध में जीत हासिल करा देता है। क्योंकि ये अपनी लाइफ में मैं ये देखी हूँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी क्यों ना, जब निगाहें आप खुदा के उठाते हैं वो तुरंत बंद मार्गों को भी खोल देता है। जैसे यहोशापात ने, इतने युद्ध उसके तरफ चारों से आ रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी, प्रार्थनाएं करके परमेश्वर ने आश्वासन दिया, तो उसके बाद उन्होंने स्तुति करनी शुरू करी और वहाँ पर वो उस युद्ध को जीत गए।
प्रियो ठीक इसी तरीके से ये बाइबल में ये सारी बातें घटनाएं दी गई हैं, किस लिए? ताकि हम लोग पढ़ें और सीखें इन चीज़ों से कि किस तरीके से हमें काम करना है। योशापात ने युद्ध जीता तो वो परमेश्वर तब भी सामर्थ्य था, वो परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है। आज अगर हमारे चारों ओर, आपके चारों ओर अगर कोई युद्ध आपको दिख रहा है कि कोई सैनिक कोई आपके विरोध में आ रहा है, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई नशे की दुष्ट आत्मा आपके विरोध में खड़ी है, आपके पति को लेकर, आपके बच्चों में, तो जाए परमेश्वर के पास, स्तुति करें, महिमा करें, गिड़गिड़ाएं उसके पास। परमेश्वर हर एक चीज़ों से निजात कराता है, वो हर एक युद्धों में आपको जयवंत कराएगा, क्योंकि हम मसीह में जयवंतों पर जयवंत हैं, है ना। अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाएं और खुदा से प्रार्थनाएं करें, सच्ची आत्मा से, उस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, इधर उधर सहारा ना ढूंढते हुए सीधा सहारा परमेश्वर की ओर रखें। हमें प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप और प्रभु के करीब जा रहे हैं और उसकी स्तुति में आराधना कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, है ना। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, सबको जय मसीह की।